सोए थे, लोग अंदर सोए थे, और एक कमरे में 8 फुट तक पानी जाना, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितना नुकसान कर सकता है। तो ये नाले जो बड़े कल पानी बाहर निकला है, जब पोल खोलते हैं इनकी कि ये क्या डेवलपमेंट इन्होंने नालों की और बाकी शहर की करवाई है, जिसकी ये बड़े बार बार बोलते हैं स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी, यही स्मार्ट सिटी है। बाहर साइन बोर्ड लगा दिए थे, उससे स्मार्ट सिटी बन गई। स्मार्ट सिटी में कोई ड्रेनेज नहीं रखी, कोई बताया नहीं आज तक, जो अंदर बढ़ करके ड्राइंग रूमों में फैसले करते हैं। पैसा 200 करोड़ रुपया आज बताते हैं अमृत से आया है जो नाले ठीक होंगे। पहले वो हाउस में उस बात को रखा जाए कितना पैसा आया है, हाउस की मीटिंग लगाई जाए। जो चोरों की तरह कॉरपोरेशन नहीं चलेगी। और दूसरा, एक 15 करोड़ रुपया था जो इन्होंने अंदर बैठ के फैसला किया और कई वार्डों को उससे वंचित रखा, उनमें पैसा नहीं दिया गया। हम ये कहेंगे कि हर एक वार्ड में को जितना भी हिस्से का उसका पैसा आता है वो दिया जाए, क्योंकि कोई भी ऐसी वार्ड नहीं शहर के अंदर जिसकी 100% डेवलपमेंट हो चुकी है। हर एक वार्ड में ज़रूरत है डेवलपमेंट करवाने की, चाहे वो सड़कों की है, चाहे नालियों की है, चाहे वो दूसरे कामों की है। इसलिए ये अपने अंदर बैठ के फैसले ना करें। 40th FC का पैसा इन्होंने हाउस के अंदर अनाउंस किया था, हाउस सुप्रीम है हमारी कॉरपोरेशन के अंदर, वहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया था कि 283 करोड़ रुपया जो है वे अप्रूवल उसकी मिल गई है। 1-1 करोड़ रुपया हम हर एक कॉरपोरेटर को देते हैं और ये लगने के बाद दूसरी किस्त दी जाएगी। आज किसी के वार्ड में 15 लाख तक नहीं लगा हुआ और उन्होंने वो भी पैसा बंद कर दिया। आज एक लेटर निकालते हैं कि अभी 40th FC जो वो ख़त्म हो गया है। हमें बताया जाए कि जो आप लोगों ने झूठ बोला था हाउस के अंदर कि उसका 283 करोड़ रुपया अप्रूवल मिली हुई है, वो कहाँ गया? आज ये झूठ बोल के सरकार जैसे चला रहे हैं वैसे ही जो कॉरपोरेशन को चलाना चाहते हैं वो वैसे नहीं चलेगी। आज लोगों ने तमाशा देख लिया शहर के अंदर कि कितना अच्छा स्मार्ट सिटी जो बना है। हम उसकी भी डिमांड करेंगे कि जो 40th FC का पैसा जितना बोला था वो वार्डों के अंदर एस्टिमेट बने हुए हैं, वो पैसा वार्डों के अंदर लगाया जाए, चाहे वो किसी और हेड से लिया जाए, लेकिन वार्डों के अंदर उसकी जो है वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना कि 55 लाख रुपए तक ही वो सीमित रहेगा। और आज खास यही बात थी कि लोग परेशान हैं, दुखी हैं शहर के अंदर, छोटी सी बारिश होती है और लोगों के मकान जो हैं वो डूबते हैं। कोई पक्की व्यवस्था नहीं पानी के निकास की और ना ही नालों का इन्होंने के आज तक प्रबंध किया है। इसलिए ये फेल हो चुके हैं, ये फेलियर है कॉरपोरेशन। अगर इनसे जो नहीं चल रही है तो इसको डिजॉल्व कर दें, और ताकि लोगों को भी ये सुकून मिले कि वाकई ये चलाने वाले जो लोग हैं ये इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनसे सेटिस्फाई जो लोग नहीं हैं आज, यही हम आज आपसे आग्रह करते हैं। थैंक